कृपया ध्यान दें कि ये वीडियो केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है, कृपया इसे सीरियसली न लें। इस वीडियो के टॉप 4 कमेंट करने वाले सब्सक्राइबर्स हैं सोनू राज ऑफिशियल, धनंजय यादव MG5T, सोनू सिंह चंद्रवंशी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट हमारी वीडियो में दिखाया जाए तो हमारी सभी वीडियो पर लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें। आम्रपाली इस आदमियों को थप्पड़ मार रही है, लेकिन आपको कहां से देखकर लग रहा है यार कि ये थप्पड़ मार रही है? इनका हाथ तो बिल्कुल भी इस आदमी से टच नहीं होता, फिर भी यार इस आदमियों को थप्पड़ तो बहुत जोरदार लगती है। आम्रपाली इन गुंडों को अपने पैर से मारती है, लेकिन आम्रपाली इन गुंडों से काफी दूर नजर आ रही है, फिर भी इनको चोट कैसे लग गई यार? यहां तक कि आम्रपाली का पैर इन गुंडों से टच भी नहीं होता, फिर भी इनको चोट कैसे लग गई यार? ये आदमी तो आम्रपाली से काफी दूर नजर आ रहा है, फिर भी इसको चोट कैसे लग गई और ये भी गिरने लगता है? निरहुआ इस आदमी को इस दरवाजे पर दे मारते हैं, लेकिन यार अचानक इसके मुंह से इतना धुआं क्यों निकलने लगा? अब ऐसा कहां होता है यार कि चोट लगने पर मुंह और नाक से धुआं निकलने लगे? निरहुआ इस आदमी को भी इस दीवार पर दे मारते हैं। अब हद तो ये हो गई कि ये दीवार ही टूट गया। अब भाई ये कैसे हो गया यार? ये तो पूरी तरह असंभव है कि किसी के टकराने से ये दीवार ही टूट जाएगा। और इसी दीवार में एक तरफ ईंट दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ प्लास्टर भी हो चुका है, लेकिन प्लास्टर वाले साइड में जहां दीवार टूटी हुई है वहां भी अंदर प्लास्टर ही दिखाई दे रहा है, जबकि यहां पर तो ईंट दिखाई देनी चाहिए। अब इस सीन में कुछ इस प्रकार से दिखाने की कोशिश की गई है जैसा लग रहा है कि बाइक आगे से आकर यहां पर रुकी, लेकिन आप साफ साफ इस सीन में देख सकते हैं कि इस बाइक को इसी जगह पर हिलाया जा रहा है। अब ये क्या है भाई? आम्रपाली अपने राइट वाले कान में फोन को लगाकर बात कर रही है, लेकिन जैसे ही कैमरा जूम होता है अचानक से यही फोन लेफ्ट साइड में कैसे आ गया? इस गाड़ी के शीशे में ये पुलिस वाला काफी साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही कैमरा थोड़ा सा जूम होता है अचानक से यही पुलिस वाला धुंधला क्यों दिखाई देने लगा यार इस शीशे में? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पर एक फिल्टर लगा दिया गया है, यानी अलग से एक पार्ट के रूप में ऐड कर दिया गया है, वो भी एडिटिंग में इफेक्ट के रूप में। और जैसे ही आदमी शीशे से टकराता है शीशा छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है, लेकिन इस प्रकार से कभी भी किसी गाड़ी का शीशा टूटेगा ही नहीं, क्योंकि गाड़ी के शीशे पर एक अलग प्रकार की लेयर चढ़ी होती है। निरहुआ इस आदमी को अपने पैर से मारते हैं और ये आदमी उड़ने लगता है, और इस आदमी को देखकर यही लग रहा है कि ये आदमी जाकर पेट के साइड ही गिरेगा, लेकिन अगले सीन में अचानक से ये गोल गोल क्यों घूमने लगा यार, जबकि ये आदमी तो सीधा ही गिरने वाला था। अब इस प्रकार की चीजें कई बार देखकर हद हो जाती है यार। अब भाई मैं एक ही बात बोल बोलकर थक गया हूँ यार। और जैसा कि आपने पिछले सीन में देखा कि इस गाड़ी का शीशा टूट चुका था, लेकिन अचानक से अगले ही सीन में ये गाड़ी का शीशा अचानक से सही कैसे हो गया यार? अब ये कैसे हो गया भाई? निरहुआ अपनी बाइक जंप करा के आ रहे हैं, लेकिन इनके बाइक के पीछे वाले नंबर प्लेट पर अगर हम जूम करें तो इनका नंबर प्लेट आप देख सकते हैं, इस नंबर प्लेट पे UP 31 और 513 लिखा हुआ है, लेकिन इसी गाड़ी के सामने वाले नंबर प्लेट पे तो कुछ और ही लिखा हुआ है यार। इस पर तो UP 24 लिखा हुआ है, यानी पूरा का पूरा जिला ही चेंज हो गया, और नंबर भी 513 के जगह 813 लिखा हुआ है। अब यार ये कैसे हो सकता है यार कि आगे वाले नंबर पे कुछ और लिखा हो और पीछे वाले नंबर पे कुछ और हो? निरहुआ इस आदमी को मार रहे हैं और साइड में एक इलेक्ट्रिक बॉक्स लगा हुआ है, और इस आदमी को इस बॉक्स पे ही फेंक देते हैं, लेकिन यार बॉक्स के बाहर इतना शॉर्ट सर्किट क्यों हो रहा है, जबकि सारा सर्किट तो बॉक्स के अंदर लगा होगा, फिर बाहर इतना शॉर्ट सर्किट क्यों हो रहा है यार? जब निरहुआ इस आदमी को मारते हैं तो ये आदमी हवा में उड़ने लगता है, लेकिन ये आदमी हवा में उड़ कैसे रहा है यार? अगर इस सीन पे हम जूम करें तो यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर एक रस्सी बंधी हुई है जिसे ब्लर कर दिया गया है, यानी धुंधला कर दिया गया है, ताकि हमें ठीक से दिखाई ही न दे। लेकिन भाई अगर ठीक से दिखाई ही नहीं देगा तो हमारे वीडियो बनाने का मतलब क्या होगा? इस क्रेन पर एक आदमी पड़ा हुआ है, वो भी इस साइड में पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही पीछे ब्लास्ट होता है अचानक से यही आदमी इस साइड कैसे आ गया यार? जब निरहुआ इन दोनों आदमियों को लेकर उड़ रहे होते हैं तो इन दोनों आदमियों के पीछे धूल मिट्टी लगी हुई नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही निरहुआ इन दोनों आदमियों को नीचे पटकने वाले होते हैं अचानक से इनका सर तो साफ हो गया, कहीं भी धूल मिट्टी लगी हुई नजर नहीं आ रही है। अब ये कैसे हो गया भाई? और निरहुआ जहां पर इन दोनों को पटक रहे हैं इन दोनों चबूतरे से पीछे ही होते हैं, लेकिन अचानक से अगले ही सीन में जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है अचानक से ये दोनों आगे कैसे आ गए यार, और ये चबूतरा ही पीछे हो गया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और भोजपुरी अंदाज में सब्सक्राइब करना तो ठोक दे।